हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आरजे की किचन में। रेणु की तरफ से आप सबको नमस्ते। दोस्तों, आज हम बनाएंगे बिल्कुल ही नया नाश्ता जो कि बिल्कुल पिज्जे जैसा होगा और ये खाने में बहुत ही स्वादिष्ट होता है। तो चलिए शुरू करते हैं। इसके लिए हमने करीब एक गिलास पानी लिया है एक पैन में, और उसमें थोड़ा सा हम तेल डाल देंगे और फिर एक कटोरी उसमें पास्ता हम डाल देंगे। ये मैक्रोनी है, ये हम डाल देंगे और इसको हम चला देंगे तक कि पकड़े नहीं। जब तक वो उबलता है तब तक हम इस तैयार कर लेते हैं। एक बड़े चम्मच हमने टोमेटो सॉस, एक बड़े चम्मच चिली सॉस, और ये हमने थोड़ा सा चिली फ्लेक्स ऐड किया है, और इसको हम मिला के एक तरफ रख लेंगे। तब तक इधर हमारे इस पास्ता में भी उबाल आ चुका है, और इसको हम चेक कर लेते हैं कि उबला है कि नहीं। अभी उबल चुका है ये बिल्कुल। तो अब हम इसको छान लेते हैं छन्नी की सहायता से, और अब एक बर्तन में हम करीब डेढ़ कटोरी सूजी लेंगे, उसमें चिली फ्लेक्स ऐड करेंगे, फिर ऑरिगेनो, फिर जिंजर पाउडर, ये गार्लिक पाउडर, और फिर टेस्ट के अनुसार नमक ऐड कर देंगे, और ये थोड़ा सा कसूरी मेथी लेके हम उसको क्रश करके उसमें डाल देंगे। उसके बाद हम एक कप दूध में इसको भिंगा देंगे, इसको अच्छे से मिला के हम करीब 10 मिनट इसको रख देंगे ताकि ये फूल जाए। उसके 10 मिनट के बाद हम इसमें थोड़ा गाजर ऐड करेंगे काट के, फिर थोड़ा हम शिमला मिर्ची इसमें छोटा छोटा काट के इसमें ऐड कर देंगे। इसके बाद हम इसमें दो अंडा तोड़ लेंगे। अगर आप अंडा नहीं पसंद करते हैं तो कोई बात नहीं, इसकी जगह पर आप 3 चम्मच कॉर्नफ्लावर ऐड कर सकते हैं ताकि इससे इसकी बाइंडिंग अच्छी होगी। तो अब इसको हम अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। ये अच्छे से मिक्स हो गया है, और अब हम इसमें जो उबला हुआ पास्ता रखे थे उसको ऐड कर देंगे, और इसको भी हम अच्छे से मिला देंगे। देखिए, बहुत अच्छे से मिला देना है ये। इसके बाद हम एक पैन चढ़ाएंगे चूल्हे पे, और उसमें 1 चम्मच बटर ऐड करेंगे, और उसको हम मेल्ट कर देंगे। गैस का फ्लेम हम मीडियम रखेंगे, और जब बटर मेल्ट हो जाए उसके बाद जो घोल हमने तैयार किया हुआ है उसको उसमें डाल देंगे, और इसको हम अच्छे से डाल के फिर उसको चारों तरफ हम फैला देंगे। अच्छे से ऐसे प्रेस करके हम फैला देंगे, और मीडियम फ्लेम पे इसको करीब हम 5 मिनट पकाएंगे। पाँच मिनट बाद हम इसको पलट लेंगे। और इसको हम अच्छे से बराबर कर देंगे, और फिर पलटने से पहले हम गैस का फ्लेम जो है लो कर लेंगे, और उसके बाद जो हमने सॉस तैयार करके रखा था उसको इस पे हम डाल देंगे, और इसको हम चारों तरफ फैला देंगे। और अगर सॉस थोड़ा सा और डाल के हम उसको फैला देंगे अच्छे से चारों तरफ। यहाँ से हम लो फ्लेम पे बनाएंगे ताकि नीचे जले नहीं, और उसके बाद थोड़ा सा हम मेयोनीज डाल देंगे, और उसको भी हम चम्मच की सहायता से फैला देंगे। मेयोनीज डालने से इसका टेस्ट और बढ़ जाता है, और इसके बाद हम उस पर चीज़ जो है स्प्रिंकल कर देंगे। ये हमने स्लाइस चीज़ ही मेरे पास था तो हमने उसी को छोटा छोटा टुकड़ा कर लिया है, और उसके बाद हम थोड़ा छोटा छोटा शिमला मिर्ची हमने चॉप करके रखा है उसको डाल देंगे, और उसके बाद हमने ये टमाटर लिया है, टमाटर का बीज निकाल के हमने उसको भी छोटा छोटा टुकड़ा कर लिया है उसको डाल देंगे, और उसके बाद हम प्याज को हमने ये क्यूब साइज में काट लिया है उसको भी हम ऐसे चारों तरफ इस पर डाल देंगे, और उसके बाद थोड़ा सा चीज़ और स्प्रिंकल कर देंगे ऊपर से हम।
और फिर उसके बाद थोड़ा ऑरिगेनो डाल देंगे और थोड़ा चिली फ्लेक्स हम उस पर डाल देंगे और उसके बाद ढक देंगे। ढक के लो फ्लेम पे हम करीब 10 मिनट पकाएंगे जब तक कि मेल्ट ना हो जाए चीज़। उसके बाद हम गैस का फ्लेम ऑफ कर देंगे और उसको हम ऐसे प्लेट में निकाल लेंगे। ये देखिए कितना ज़बरदस्त बना है, ये बिल्कुल पिज्ज़ा जैसा दिख रहा है ना। ये देखिए मेरा बेटा बहुत बेचैन है काटने के लिए, वो बिल्कुल गर्मा गर्म ही काट रहा है। ये देखिए बहुत ही गर्म है ये देखिए। अब मैं भी इधर आपको ऐसे काट के दिखाती हूँ। ये खाने में बहुत ही टेस्टी लगता है, आप इसको बना के ट्राई कीजिएगा। बहुत ही ज़बरदस्त नाश्ता है ये, आप कभी भी बना सकते हैं। अब ये सबको बहुत ही पसंद आने वाला है। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो आप प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकॉन भी प्रेस कर दीजिएगा ताकि जो मैं नई नई रेसिपी बनाऊँ तो उसका आपको नोटिफिकेशन तुरंत मिल जाए। थैंक यू।